स्वामी जी, मैंने योगा चलो गोमुखासन करो, आपका शिविर अटेंड किया था 2006 नोएडा में सेक्टर 32 में। ये मुझे तब से आपके 15 सालों से फॉलो करती है, तब से आपके पीछे हैं हम दोनों। क्या नाम है? मेरा सुमन गुप्ता। सुमन, हाँ। हाँ। मैं आईआईटी रुड़की से मैंने एमएससी किया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और मेरा अस्थमा जो है 2000 और काम भी क्या का, तुम्हारा भी काम भी क्या है? हार्टफुलनेस के ट्रेनर हैं हम दोनों, दाजी से जुड़े हुए हैं, प्राणायाम, दूसरों को मेडिटेशन सिखाती है। हाँ जी, योगा भी सिखाती हूँ, आपका शिविर सिखाती है, आपका योगा टीचर का शिविर भी किया हुआ है, योगा टीचर भी हूँ। तो योगा भी सिखाती है, मेडिटेशन भी सिखाती है। मैंने 82 वेट था मैं जब योग्राम फर्स्ट टाइम आई थी, आज तीसरी बार आ रही हूँ। और अब कितना है? अब मेरा 72 है। 82 से 72 तो वजन कर लिया, अब मेरे जितना होना है इस बार। हाँ, 67। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने अस्थमा जो है 2006 में जब आपका शिविर ज्वाइन किया था, करो उसके बाद जो मैंने अस्थमा के लिए जो पूरे प्राणायाम किए थे वो मेरा 6-7 महीने में ठीक हो गया था, और दवाइयां तभी बंद हो गई थी, स्टेरॉइड्स लेती थी मैं। स्टेरॉइड लेती थी? हाँ। आज से 15 साल से वो स्टेरॉइड बंद है। हाँ। अस्थमा के वाइसेलोन और प्रेडनिसोलोन जो स्टेरॉइड देते थे मैं वो लेती थी, तो उससे भी थोड़ा सा वजन बढ़ा हुआ था। हाँ, स्टीरॉइड से तो वजन बढ़ता है, और स्टीरॉइड डायबिटीज भी करता है, हड्डियों को कमजोर करता है, इम्यूनिटी को खराब करता है। तो स्टीरॉइड्स बंद हो गए, उसके बाद से मेरा इनहेलर वगैरह सब ऑलमोस्ट बंद हो गया, कभी कभार साल दो साल में एक आध बार। अब वो उसके लिए श्वासारी गोल्ड दे दिया है। हाँ, वो उसका इनहेलर का भी बाप है। शुगर मेरी जब मैं लास्ट ईयर आई थी तब मेरे HbA1c 8 आया था, और 200 शुगर लेकर आई थी मैं, तब जब यहाँ से गई तो 90 थी। और HbA1c अब कितना हो गया है? अब मेरा 7 हो गया है, थोड़ा बीच में गड़बड़ कर दिया था। हाँ, लेकिन अब इसको कंट्रोल कर ले। तो मैं फास्टिंग पे ही हूँ 2 दिन से। अब HbA1c 6 से नीचे आ जाए, 5-5.5 आ जाए, जैसे उसका जोवन सिंह का तो 5.1, मतलब 100% एब्सोल्युटली वो नॉन डायबिटिक हो गया है। अब फिर भी लोग मानते ही नहीं। मैं स्वामी जी आपके मोटिवेशनल स्पीकिंग जो होती है ना, उससे हम लोग बहुत मोटिवेशन रहते हैं। अच्छा, मैं कुछ जो है, कुछ लोग कहते हैं स्वामी एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा दिखती है, टीवी पर भी दिखती है। यहाँ तो है ही। हाँ, कुछ तो कहते हैं स्वामी जी कई बार तो ऐसा लगता है टीवी फाड़ के बाहर आ जाओगे। मैंने कहा मेरा काम लोगों को उत्साह देना, मरे पड़े ऐसी से। अरे कुछ नहीं मरा दो थोड़ा। तो इन्होंने IIT दिल्ली में रिसर्च भी किया था इसी पे, योगा और मेडिटेशन पे, PhD कर रखी है इन्होंने। क्या बात है। हाँ, अब तो इसीलिए डॉक्टर नरेंद्र आ रहे हैं। ठीक है।